क्या दिख रहा है भाई? छतों पर बच्चों के इतने बड़े खिलौने? अरे तो पानी की टंकियां हैं गुरु। यहाँ तो लगभग सभी घरों में ऐसी ढिंचक पानी की टंकियां हैं। OMG! दोस्तों मैं पहुंचा हूँ जलंधर, जहाँ की छतों पर आपको दिखेंगे ऐसे अतरंगी वाटर टैंक। हर टैंक बयान करता है अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी। ये है जलंधर यूनिक वाटर टैंक। इन टैंक्स को ऐसे ढांसू डिजाइन देने वाले आर्किटेक्ट हैं मिस्टर बलविंदर कॉल और उनके डैडी मिस्टर लुभाया कॉल जी। कॉल जी को 1995 में ऐसा ऑर्डर आया जिसने उन्हें बना दिया जलंधर का टैंक सिकंदर। और जैसे कोई 25 साल पहले फुटबॉल से शुरू किया था, हमने फुटबॉल दो पीसों से तैयार किया था, छोटा फुटबॉल से बड़ा ड्रैंक कर लिया, बड़े ड्रैंक से फिर हमने दो पीस करके उसको जोड़ दिया। वाटर टैंक्स के साथ कॉल साहब को स्टैचूज बनाने के भी ऑर्डर्स मिलने लगे। काम बढ़ा तो बेटे बलविंदर कॉल ने भी पापा के काम में अपनी क्रिएटिविटी जोड़ दी। जब कोई टैंक बनाने का ऑर्डर आता है तो सबसे पहले डिजाइनिंग की जाती है, हाइट लेंथ और ब्रेथ डिसाइड की जाती है, उसके बाद स्टील से एक ढांचा तैयार किया जाता है और फिर कॉन्क्रीट से इस ढांचे को फाइनल शेप देकर बाहर से पेंट करते हैं और छतों में टैंक सेट करते हैं। पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आज जहां टेक्नोलॉजी और स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से आर्किटेक्ट्स अपने काम को परफेक्ट बनाते हैं, वहां फादर सन की जोड़ी को यकीन था अपने हुनर, तजुर्बे और मेंटल कैलकुलेशंस पर। अब क्वेश्चन ये है कि लोगों को ऐसे वाटर टैंक्स और स्टैचूज बनाने की क्या सूझी? एक्चुअली यहाँ के मैक्सिमम लोग NRIs और ये टैंक्स उनकी आइडेंटिटी बयां करते हैं और उनकी लाइफ स्टोरी भी। जैसे इस एयरप्लेन के ओनर 1959 से लंदन में रहते हैं, इसलिए उन्होंने बनवाया है ये आलीशान एयरप्लेन, क्योंकि उन्हें ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक था। अरे पाजी, जब इतना ढांसू ढांचा बनवाया है तो एक इंजन भी लगवा देते, यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग भी हो जाती ना। ये टैंक बताता है कि इसके ओनर अमेरिका में मिल्क ट्रक चलाते हैं और इस घर के सुपुत्र इंडियन नेवी में हैं। और इस स्टैचू के ओनर मिस्टर सुरजीत सिंह इंग्लैंड में टग ऑफ वॉर के कोच हैं। मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जो सबसे अलग हो, मेरे को बहुत पसंद आया, सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अपने इस बॉर्न टैलेंट और ट्रायल एंड एरर एक्सपीरियंस के बाद बाप बेटे की ये जोड़ी अब तक लगभग 3000 से भी ज्यादा यूनिक टैंक्स बना चुकी है। और जलंधर के ये टैंक ऑब्सेशन अब कॉल पाजी की वजह से दूसरे शहरों में भी पहुंच चुके हैं। हम जाते पंजाब से बाहर, 100 किलोमीटर तो हमारा एरिया था ही, उसके बाद फिर हम जैसे पटियाला में चले गए, पटियाले से हरियाणा चले गए, यूपी चले गए, इधर हिमाचल चले गए, ऐसे 6-7 स्टेट हैं जो हमने पंजाब से बाहर भी काम किया है। एक आइडिया जिसने घरों की ही नहीं बल्कि पूरे जलंधर शहर की तस्वीर ही बदल दी, आम वाटर टैंक्स को एक पॉप रेवोल्यूशन की शक्ल दे दी। ऐसा OMG काम दोस्तों सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। OMG, ये मेरा